Hi everyone, today is the fourth day of our mock test paper for UGC NT NET 2019. हमने अभी तक तीन मॉक टेस्ट पेपर ले लिए हैं जिसमें हमें अच्छे रिव्यूज मिले हैं एंड आज हमारा फोर्थ मॉक टेस्ट पेपर है जो कि है कंप्यूटर्स में, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है UGC NT NET का. तो आज हमारा क्विज होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, जिनसे क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट आते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट से पूछा जाता है, डेफिनेशन से पूछा जाता है और बहुत ही सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं. तो वी गोना सॉल्व फाइव क्वेश्चंस फ्रॉम आईसीटी टुडे विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. एंड ऑल्सो फॉर फर्दर मॉक टेस्ट पेपर्स, फॉर फर्दर क्विज, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एंड व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लेट्स स्टार्ट द क्विज फॉर आईसीटी, फाइव क्वेश्चंस विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस. So let's start from the first question of ICT. So the first question is, which among the following is used to protect a communication network system against unauthorized attacks? So यहाँ पूछा गया है वो कौन सा सिस्टम है जिसको यूज किया जाता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड अटैक्स. जो अनऑथोराइज्ड अटैक्स होते हैं विच आर नॉट लीगल, विच आर नॉट ऑथोराइज, उनसे बचने के लिए कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है कि जिससे कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम को कोई प्रॉब्लम ना आए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन आईसीटी यू हैव टू रिमेंबर थ्री थिंग्स, कि तीन चीज़ों से याद करना है ये वाला कोर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशंस, बिकॉज डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आईसीटी. सेकेंडली यू हैव टू रिमेंबर ऑल द एब्रीवेशंस. तो ये दो चीज़ें हो गई, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, देन एब्रीवेशन, एंड थर्डली याद करने हैं सारे के सारे बाइनरीज कैसे सॉल्व होते हैं, बिकॉज इन तीन चीज़ों में क्वेश्चंस बहुत आता है इन योर कंप्यूटर सेक्शन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द डेफिनेशन सेक्शन. तो यहाँ अगर देखा जाए इन चारों चीज़ों को, इनकी डेफिनेशन देखी जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो, ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इन सब की डेफिनेशंस क्या है. इफ़ यू हैव रीड दीज डेफिनेशंस केयरफुली यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन. So we have four options. First of all is firewall, second is virus, third is spam, fourth is zip. तो यहाँ अगर चारों options के explanations देखा जाए, first वाले की है firewalls की design to prevent unauthorized access. Unauthorized जो access होता है उसको रोकने के लिए firewalls है. Secondly virus, malicious software inserts own code. So virus को बोला जाता है जहाँ पर एक ऐसा software जो ऐसे hack करता है चीज़ों को कि जो अपने code set कर देता है, अपने तरीके से चीज़ें चलती हैं फिर computers में, तो virus को ये बोला जाता है. Third आता है spam. Spam means undesired electronic messages. आपने Facebook में देखा होगा एक बार बीच में वीडियो सर्कुलेट हो रही थी, दैट इज कॉल्ड स्पैम्स. जब आपसे बिना पूछे आपकी वॉल पे, आपकी फेसबुक वॉल पे, आपकी ट्विटर वॉल पे या फिर कहीं पर भी कुछ अनडिजायर्ड चीज़ें शेयर हो रही हैं, कोई मैसेज शेयर हो रहा है जो कि आपने नहीं किया है, तो दैट इज कॉल्ड स्पैम. नाउ द फोर्थ वन इज zip. Zip का बेसिकली मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ फाइल्स विच आर विद इन अ सिंगल फाइल. उनको कंप्रेस करते करते एक सिंगल फाइल में रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड zip. तो यहाँ अगर आप चारों ऑप्शन को देखा जाए, वेन वी नो द मीनिंग ऑफ ऑल फोर ऑफ दीज, देन वी कैन ईजिली गेस फायर वॉल्स इज द राइट आंसर. वाई? बिकॉज इट इज डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस. एग्जाम में इनमें से कोई भी आ सकता है, वायरस से भी क्वेश्चन आ सकता है, स्पैम से पूछ सकते हैं, जिप से पूछ सकते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशंस वेरी केयरफुली, बिकॉज डेफिनेशन से क्वेश्चन हर साल आएगा. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डू वी कॉल अ नेटवर्क विच इज यूज बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस ओवर रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया. सो यहाँ क्वेश्चन है, हम ऐसे नेटवर्क को क्या बोलते हैं जो कि रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल एरिया में यूज़ किया जाता है. एक ऐसा नेटवर्क जो कि सिर्फ एक रेजिडेंशियल एरिया में नहीं, एक कंट्री में नहीं, बल्कि एक रीजनल एरिया में, एक ग्लोबल एरिया में यूज़ किया जाता है. तो उसके लिए चार ऑप्शंस यहाँ दिए हैं. फर्स्ट इज आईपी एड्रेस, सेकेंड इज लैन, सी इज पैन, डी इज वैन. सो इन चारों ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन अगर देखी जाए, फर्स्ट वन इज आईपी एड्रेस, विच मीन्स न्यूमेरिकल डाटा गिवन टू ईच कंप्यूटर नेटवर्क. हर एक कंप्यूटर को उसका एक डेटा दिया जाता है, एक न्यूमेरिकल डेटा दिया जाता है, एंड वो न्यूमेरिकल डेटा उसकी पहचान होती है कि ये आईपी एड्रेस है इस कंप्यूटर का. तो ये एक पहचान होती है जो कि हर आईपी एड्रेस को दी जाती है. सेकेंडली इज लैन. अगर हम लैन की फुल फॉर्म देखें, लोकल एरिया नेटवर्क विच इंटरकनेक्ट लिमिटेड एरियाज. सो लैन मीन्स लाइक यू आर कनेक्टिंग विद इन अ रेसिडेंस. एक
छोटे लोकल एरिया में कनेक्टेड रहना कंप्यूटर्स का, उसे बोलते हैं लैन। थर्ड आता है पैन। पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क्स, जो कि जैसे कि टैबलेट्स में यूज किया जाता है, मोबाइल्स में यूज किया जाता है, लैपटॉप्स में यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पैन। फोर्थली वैन। सो वैन का मीनिंग यहाँ है वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज लार्ज जोग्राफिकल एरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सच क्वेश्चंस, यहाँ पर देखिए कॉमन सेंस बहुत काम आ जाता है, बिकॉज व्हेन यू नो द फुल फॉर्म्स, सो विदाउट इवन नोइंग द आंसर, विदाउट इवन नोइंग द डेफिनेशंस, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन बाय देयर फुल फॉर्म्स। एंड हाउ? लाइक व्हेन यू सी वैन की फुल फॉर्म, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क की बात करी है एंड ऊपर है पैन, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। थर्ड वन इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। वेन यू सी द फर्स्ट वर्ड ऑफ दीज थ्री, लोकल पर्सनल वाइड, यू कैन इजिली गेस, आप इजिली गेस कर सकते हैं वाइड वाला ही रीजनल नेशनल एंड ग्लोबल एरिया होगा। सो यू कैन ऑलवेज आंसर लाइक इन दिस फॉर्म ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो थिंक इन सच अ मैनर दैट वाइड बोला है तो ये ग्लोबल ही हो सकता है, पर्सनल तो ग्लोबल में नहीं जा सकता, पर्सनल वाला तो रीजनल नेशनल में नहीं आ सकता है, एंड लोकल वाला भी नहीं आ सकता। सो द मोस्ट सिचुएबल इज वैन। सो ऐसे भी आंसर का जो ये होता है द एलिमिनेशन मेथड, जो कि आना बहुत जरूरी है फॉर योर यूजीसी एनटीए नेट एग्जाम। सो ये थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आईपी एड्रेस से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आईपी एड्रेस का डेफिनेशन पूछा जाता है। तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं इनसे क्वेश्चन बहुत आया है, लैन से भी आया है, पैन से भी आया है, डब्ल्यू ए एन से भी आया है, और इनकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। सो ऑलवेज रिमेंबर देयर फुल फॉर्म, तो ध्यान रखिएगा इनकी फुल फॉर्म जरूर याद करिए। थर्डली क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग, कंप्यूटर्स में मैच द फॉलोइंग भी बहुत आते हैं, उनमें आपको लिस्ट वन में दे देंगे मे बी डेफिनेशंस, एंड लिस्ट टू में दे देंगे उनके प्रॉपर वर्ड्स, मे बी दे विल गिव यू फुल फॉर्म्स एंड उनके जो एब्रीवेशंस हैं। सो यहां दिया गया है लिस्ट वन में हमको इनके नाम जो उनको बुलाया जाता है, एंड लिस्ट टू में दिया गया इनकी डेफिनेशंस कि इनकी डेफिनेशंस क्या है, एंड वी हैव टू फाइंड द करेक्ट मैच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द फायर वॉल्स, फायर वॉल्स का हम फर्स्ट क्वेश्चन में पहले ही देख चुके हैं, देन है डिस्क, देन है मैलवेयर, देन सीपीयू। सो लेट स्टार्ट विद द सीपीयू विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो सीपीयू को अगर आप जानते हैं, सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है, सीपीयू इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम योर आईसीटी, सीपीयू से क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं। सो सीपीयू को अगर इनमें से देखा जाए लिंक, अगर हम लिस्ट टू में देखें डेफिनेशंस, इट कंट्रोल्स एवरीथिंग इन द कंप्यूटर, इट इज यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हैकर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मलिशियस सॉफ्टवेयर, इट इज द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। अगर यहाँ सबसे ईजी देखा जाए, जो ऑलमोस्ट हम सबको पता होता है कि ये मीनिंग है सीपीयू, सीपीयू इट कंट्रोल्स एवरीथिंग इन द कंप्यूटर, सबसे ईजीली गेस करना इस क्वेश्चन में जो है दैट इज अबाउट सीपीयू, बिकॉज इट इज अ बेसिक फैक्ट, इट इज समथिंग कम्स अंडर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर दैट CPU is the one central processing unit. इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, इट इज द वन विच इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, एंड इट इज द वन विच कंट्रोल्स एवरीथिंग इन द कंप्यूटर। तो अभी हमें एक का तो आंसर मिल गया है, दैट इज सी का है, डी का है फर्स्ट, देन कम्स डिस्क। डिस्क का पता करना भी बहुत ईजी है, इट इज द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, डिस्क को हमेशा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में बोला जाता है। तो ये दोनों के आंसर मिलना सबसे ज्यादा ईजी है, तो यहां हमने देख लिया है बी का है फोर्थ। अब बाकी बचे दो, फायर वॉल्स का क्या था, अनऑथराइज अटैक्स अगेंस्ट द हैकर्स, प्रोटेक्ट करना कम्युनिकेशन नेटवर्क को हैकर्स के अगेंस्ट, जो गलत अनऑथराइज अटैक्स होते हैं उनके अगेंस्ट। सो फायर वॉल्स का आंसर क्या होगा, सेकेंड, इट इज यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हैकर। सो ए का क्या हो गया आपका, सेकेंड। नाउ कम्स मैलवेयर, मैलवेयर अकेला बचा है तो उसका फोर्थ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मलिशियस सॉफ्टवेयर। सो द करेक्ट कोड इज सी, डी का फर्स्ट, बी का फोर्थ, ए का सेकेंड एंड सी का थर्ड। सो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन से हमने क्या समझा है कि एग्जाम के लिए मैच द फॉलोइंग के लिए भी डेफिनेशंस पता होना बहुत जरूरी है, एंड यू शुड ऑल्सो रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट सीपीयू, बिकॉज सीपीयू इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कंप्यूटर्स। नाउ कम्स द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज डैश इज द डोमेन नेम एक्सटेंशन विच इज यूज फॉर गेटवेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट।
डोमेन नेम्स में क्वेश्चंस बहुत आता है, डोमेन नेम्स नेम सिस्टम जो है इनसे क्वेश्चन बहुत आ रहा है एग्जाम में। हर साल एक से दो दो क्वेश्चन डोमेन नेम से आते हैं। डॉट कॉम को लेके पूछ लेंगे, डॉट नेट को लेके पूछ लेंगे, डॉट ओ आर जी को लेके पूछ लेंगे। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग थॉरोली। समटाइम्स क्वेश्चन कम ऑन डोमेन नेम सिस्टम दैट वट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNS। सो यू हैव टू रिमेंबर DNS मीन्स डोमेन नेम सिस्टम। सो नाउ द क्वेश्चन इज कौन सा इनमें से डोमेन नेम है जो यूज किया जाता है फॉर गेटवेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चला है कि हमें डोमेन नेम के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी .com, .org, .net, जितने भी एड्रेस हैं उनके पता होना चाहिए कि कौन सा किसके लिए यूज होता है, कौन सा किस पेयर के लिए यूज होगा, कौन से डिपार्टमेंट के लिए कौन सा यूज होगा। सो नाउ हियर द क्वेश्चन इज फॉर गेटवेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट। सो नाउ वी सी .com यूज होता है फॉर बिजनेस, फॉर बिजनेस एक्टिविटीज वी यूज .com। सेकेंड इज .org, सो .org इज यूज फॉर मिसकेलिनियस ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ द थर्ड वन net इज यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट। सो वेन वी नो, अगर हमने पढ़ा है, हमें पता है कि डोमेन नेम सिस्टम क्या है, उसके अलग अलग पार्ट्स क्या है, यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन दैट .net इज यूज फॉर दीज थिंग्स। फोर्थली इज .government. .government इज यूज फॉर ओनली गवर्नमेंट एंटिटीज, जो इट इज हाईली रिस्ट्रिक्टेड। .government जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड वन, ये सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए होता है। अगर क्वेश्चन आता है विच टाइप ऑफ डोमेन नेम सिस्टम इज हाईली रिस्ट्रिक्टेड और इट इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर गवर्नमेंट एंटिटीज, यू विल आंसर .government, जो कि आंसर करना बहुत ईजी है। .government है तो गवर्नमेंट का ही होगा। सो इस क्वेश्चन से हमने क्या समझा है कि डोमेन नेम सिस्टम पढ़ना बहुत जरूरी है एंड इनके जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी इनके अंदर आती हैं चीजें, यू हैव टू रिमेंबर देम थॉरोली। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम वी यूज फॉर इफ अ हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स व्हिच इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू। अगर एक हार्ड डिस्क है उसको डिवाइड किया जाता है ट्रैक्स में एंड उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है। सो यहाँ क्वेश्चन है इफ अ हार्ड डिस्क, अगर एक हार्ड डिस्क को डिवाइड किया जाता है, उसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है, उसके अंदर सेक्शंस बना दिए जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में। हार्ड डिस्क को लेके, उसके अंदर के पार्ट को लेके क्लस्टर आता है, उसके अंदर सेक्टर्स आते हैं, वेक्टर्स आते हैं, तो इनमें से कौन सा है जिसको ये बोला जाता है। फर्स्ट इज ब्लॉक्स, सेकेंड इज सेक्टर्स, थर्ड इज वेक्टर्स, फोर्थ इज क्लस्टर्स। देखिए यहाँ पर जो हमने डेफिनेशन, यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया है, सो दिस डायग्राम इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्क, ये डिस्क का स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर को देखा जाए, इसको सब डिविजन किया गया है, इसमें बहुत सारे डिविजन्स किए गए हैं। तो ये जो सारे डिविजन्स हैं, बेसिकली हमें पूछा गया है इनको क्या बोला जाता है, व्हाट टर्म वी यूज व्हेन वी फर्दर सब डिवाइड द डिस्क। सो इसको बोला जाता है सेक्टर, द नेम वी यूज फॉर दिस इज कॉल्ड सेक्टर। सो सेक्टर इज द वर्ड वी यूज फॉर द फर्दर सब डिविजन ऑफ द हार्ड डिस्क। सो दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो वट वी सी फ्रॉम दिस क्विज, बेसिकली वट वी सी फ्रॉम दिस मॉक टेस्ट पेपर, इन कंप्यूटर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द डेफिनेशन फर्स्ट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द एब्रीवेशन ऑल्सो एंड थर्डली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द मैचेस कि कौन सा किसका होगा, कौन सा डेफिनेशन किस में जा रहा है, कैसे मैच द फॉलोइंग किए जाएं जल्दी से जल्दी। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ICT बिकॉज ICT में क्वेश्चंस मोस्टली डेफिनेशन से ही आते हैं। मोस्टली हमेशा पूछा जाएगा ये टर्म किसके लिए है या फिर ये एब्रीवेशन किसके लिए यूज हो रहा है। सो वट यू हैव टू डू फॉर ICT के लिए क्या करना है, सारी डेफिनेशन लाइन से याद करनी है कंप्यूटर्स की, स्टार्ट फ्रॉम द CPU, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर। सो ये था आपका फोर्थ मॉक टेस्ट पेपर जो कि हमने लिया है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, जो कि आपका है कंप्यूटर्स। सो नेक्स्ट जो हमारा मॉक टेस्ट पेपर होगा दैट विल बी ऑन कम्युनिकेशन, 5 क्वेश्चंस फॉर कम्युनिकेशन। सो इफ यू वांट मोर क्वेश्चंस, इफ यू वांट मोर क्विज, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप फॉर फर्दर क्विज, जिनका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट द एग्जाम्स, देयर डेट्स एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, यू कैन ऑलवेज क्लिक द लिंक दैट इज इन द राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन। सो सी यू ऑल टुमारो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।